ये प्लाट है जो है गुरमीत जी का, गुरमीत जी काशीपुर रामपुर और आपका उत्तराखंड बॉर्डर। अब इनके प्लाट पे खड़े हुए हैं, देखो बहुत अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत से बड़ी लगन से काम किया है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्लाट है। हम भी किसान पाठशाला से जुड़ना चाहते हैं। हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, किसान पाठशाला से भी किसान साहब जुड़िए और जो भी पूरा पूरा सहयोग आपको पूरा पूरा सपोर्ट किया जाएगा। और कोई समस्या वाली कोई बात है तो आप बताएं सर। ये जो हमारे देखिए पत्ते सूख रहे, बस यही है कुछ, ये ठंडी की वजह है यहाँ पे ना, ठंड का प्रकोप। हाँ ये ठंड का जो है शुरू हो गया। हाँ वैसे कुछ पत्तों की तो उम्र भी आ गई लेकिन कुछ में है, जैसे ये इनमें है, इनमें उम्र आ चुकी है। हाँ हाँ इनमें ये ठंड की वजह है। तो यहाँ पे बरसात हुई, हाँ बारिश हुई, बहुत बारिश हुई, बरसात पानी हाँ रुका बहुत ज़्यादा हो, चलो पानी नहीं रुका ये भी अच्छा है, आपने सारा प्रबंधन सब बढ़िया कर रखा है। और इसमें यहाँ पे वो तो नहीं पड़ा जो है आपका, जो बरसात के साथ पत्थर तो नहीं पड़ गया, नहीं नहीं ओला पत्थर, वगैरह ना ना ओला नहीं पड़ा, ओला है ना। ये ऊपर वाले की मेहर रही है। चलिए गनीमत रही, वैसे बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा और ध्यान करो ठंड में जो है, ठीक है और मैं, बाकी आपको जो है किसान ओके पाठशाला की तरफ से और जो है बी किसान की तरफ से बलराम भाई जो है आपको पूरी जहाँ भी कोई बात है तो पूरी मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। हाँ जी। वो हम तो उनसे कह रहे हैं बार बार कि यहाँ पे आओ, यूपी में आओ, जी उत्तर जी प्रदेश जी में जी आओ, जी हमें चाहिए ऐसे, जी मतलब जी हमें जी वो बताने वाले नहीं मिल रहे जो हाँ हमें हाँ चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, हमारा हाथ पकड़ के ठीक। कोई चलाए तो हम चलना सीख जाएंगे। नहीं नहीं बिल्कुल 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 ये बात है ना। और क्योंकि यहाँ तो हम अपना कोई कोई भी आती कंपनी वाला, ये करो वो करो, अपने अपने आप से चलते हैं, मगर जो पुराने हैं, हम तो जी अभी 3 साल पुराने हैं, जो ज़्यादा पुराने हैं उनसे हम जुड़ना चाहते हैं। यहाँ पे अभी केले की खेती इस साल बहुत ज़्यादा किसान उभर के आ रहे हैं, तो यूपी में केले का हब बन सकता है बहुत अगर बहुत बहुत आप सब लोग नंबर वन और पे, जो है उत्तर प्रदेश बी नंबर बी वन पे जाएगा बी अगर इसे। किसान की तरफ से अगर जो है सपोर्ट मिले आप सब लोगों हाँ को तो मुझे लगता है कि यूपी में उत्तर प्रदेश में प्रदेश जो है में, केले का हब बन सकता है। हाँ महाराष्ट्र से भी ज़्यादा यहाँ पे किसान, क्योंकि यहाँ पे गन्ने से परेशान हो चुके हैं, गन्ने से परेशान इस करके क्योंकि एक तो फसल ये नगद की है, लोगों को पैसा मिल जाता है ठीक टाइम पे, जरूरत अनुसार किसी के पास और हाथ नहीं फैलाने पड़ते, ये रीजन है यहाँ पे। हम तो कह रहे हैं बी किसान वाले हमारे यहाँ आए, हमें हमारे हमें पाठशाला दें, तो किसान आगे आगे हम भी बताएंगे, ऐसे उनका भी यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा और किसान यहाँ बहुत जुड़ेंगे। इस साल हमारे यहाँ 2.5 लाख पौधा बुक हुआ है जैन वालों का, अच्छा नहीं चलो खैर, वो जो भी कंपनी हो तो बहुत सारी कंपनियाँ कंपनियां हैं होंगी क्योंकि हमारे पास जैन और वालों ही का एक ऑफर है जो यहाँ पे अच्छा घूम रहे हैं, और कोई कंपनी आई नहीं है। हम अच्छा तो अच्छा कह रहे हैं ये हमें अच्छा मिले, कोई अच्छा प्लांट मिले जिससे ग्रोथ हो, अच्छी हो, हम भी विदेशों को ना भागें, नहीं ठीक है आपका। हम भी ये कहते हैं हम विदेश यहीं बनाएं अपना। जी 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 ठीक है ठीक है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव देवल यूपी से, संभल से, संभल यूपी से। मेरा मोबाइल नंबर 97541 38222। अच्छा गुरमीत जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और नमस्कार आपका प्लाट देके। ठीक है जी नमस्कार जी। गुरमीत भाई राम राम। ब्रदर आप मुझे बुला के ही मानोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगले हफ्ते हूँ वहाँ पर, मतलब मंगलवार बुधवार के बाद में आपके क्षेत्र में हूँ। आप थोड़ा तारीख दीजिएगा कौन से समय आप लोग फ्री हो, उस समय मैं आपके तरफ रहूँगा, बाकी यूपी का भ्रमण रखूँगा। ब्रदर आपका फील्ड मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कमज़ोर, इसमें दो हम रिपेयर कर सकते हैं, नाली बना करके अगर आप पानी देते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अभी जड़ों को तोड़ना मत। पौधे के तने के नीचे कचरे की मल्चिंग कर दोगे तो ठंड से बचाव होगा, अमोनियम सल्फेट का थोड़ा ज़्यादा प्रयोग करोगे तो ठंड से बचाव होगा, या यूरिया सल्फर का। बाकी बहुत अच्छा है, आप बार बार मुझे बुला रहे हो, आग्रह का मैं थोड़ा सा हूँ भी कच्चा, जरूर आऊँगा, समय का अभाव है थोड़ा सा, मैंने अदर मित्रों को नाराज कर रहा हूँ, मैं 5 स्टेट मैंने अभी कवर कर रहा हूँ, बाकी के स्टेट को मैं किसानों को मना कर रहा हूँ, समय कम दे पा रहा हूँ मैं, समय है कम, लेकिन जहाँ मैं हूँ कोशिश करूँगा वहाँ पूरा रहूँगा मैं। यूपी में तो मैं 2020 पूरा रखूँगा, तो पहले आप लोगों से सीखना है कैसे कर रहे हो, उसमें क्या मैं समझ के मदद कर सकूँगा, उसके लिए मैं रहूँगा साथ में। तो मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ, सभी यूपी वालों के लिए एक ये है कि जहाँ पर जिसको दिक्कत है वो हमारे नंबर जो है उन पर संपर्क करें,
और हमें बताएं कि उसको कहां पर दिक्कत है, तो हम कोशिश करेंगे कि उस क्षेत्र में रहें। नर्सरी वालों को भी अगर दिक्कत हो तो वहां पे भी रहेंगे, किसानों को अगर दिक्कत हो तो वहां पे भी रहेंगे, जिनको ज़रूरत हो किसान पाठशाला की सीखने सिखाने की, हम यूपी में और उत्तराखंड में कोशिश करेंगे, रहेंगे। मैं 5-6 दिन रहूँगा, ठीक है मित्र, मैं ज़रूर जल्दी आता हूँ।